वेलकम टू मल्टीकुलटी वेजी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बॉल्स। हमें पिज़्ज़ा बॉल बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून ऑफ ड्राई ईस्ट, 3/4 टीस्पून ऑफ शुगर, 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, आप दूसरा नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, 100 मिलीलीटर ऑफ लूक वार्म वाटर। तो हम अब मैदे में सारी इंग्रेडिएंट्स डालकर, जैसे कि हम रोटी की डो बनाते हैं वैसे ही हम इसकी भी डो तैयार कर लेंगे। थोड़े से ऑलिव ऑयल की मदद से हम आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। जब आटा अच्छे से गूंथ हो जाए तो हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने फिलिंग तैयार कर ली है, तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून ऑफ रेड कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑनियन, 1 टीस्पून ऑफ पेपरोनी एंड 2 टेबलस्पून ऑफ येलो कैप्सिकम, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 टीस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम, 1/2 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, सम ब्लैक पेपर, सम ओरिगानो पाउडर एंड 100 ग्राम्स ऑफ गाउडा चीज। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, आप कोई भी चीज कर सकते हैं। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप वेजिटेबल्स अपने स्वाद अनुसार डालें और मसाले भी अपने स्वाद अनुसार डालें। अगर आपको तीखा खाना पसंद हो तो आप थोड़ी सी और ज्यादा पेपरोनी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी डो अब फूल चुकी है। तो इसको अब हम थोड़े से मैदे की हेल्प से इकट्ठा कर लेंगे। बेकिंग डिश को ग्रीस करूंगी और एक प्लेट को ग्रीस करूंगी। अब डो लेकर मैं इसको प्लेट पे इस प्रकार से फैला लूंगी और इसमें फिलिंग को डालूंगी। और मिडल में मैं हमारा चीज रख दूंगी। तो इस प्रकार से आप पिज़्ज़ा बॉल को रेडी करें। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस से पिज़्ज़ा बॉल्स बहुत ही पतले बनते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप अपनी पिज़्ज़ा बॉल्स बनाएं, तो अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस डालनी हो तो सबसे पहले आप पिज़्ज़ा सॉस डालें और फिर इसकी फिलिंग करें। अब सारी पिज़्ज़ा बॉल्स रेडी हैं, तो अब मैं ऑलिव ऑयल और ओरिगानो को मिक्स करूंगी और पिज़्ज़ा बॉल्स पे लगा दूंगी। इसके साथ एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके ऊपर अब मैं ग्रेटेड चीज़ को भी लगाऊंगी। अब इसको हम प्रीहीटेड ओवन में 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। मैंने ओवन को 200 डिग्रीज पे प्रीहीट किया था। अब आधा घंटा हो चुका है,
आप देख सकते हैं ये बहुत ही नाइस कलर आया है। तो अब हमारी पिज़्ज़ा बॉल्स रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम पिज़्ज़ा बॉल्स को काट लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पिज़्ज़ा बॉल्स अब रेडी हैं। आप इसे अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।